हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैंस क्लॉथ्स नेम्स, मतलब मैन के पहनने वाले सभी कपड़ों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे कहते हैं शर्ट। शर्ट मतलब होता है कमीज। इसे कहते हैं पैंट। पैंट मतलब होता है पैंट। इसे कहते हैं जींस। जींस मतलब होता है जींस। इसे कहते हैं रिप्ड जींस या फिर डिस्ट्रेस जींस, और इसका मतलब होता है फटी हुई जींस। जो जींस फटा हुआ मॉडल का होता है उसे रिप्ड जींस या डिस्ट्रेस जींस कहते हैं। इसे कहते हैं टी शर्ट। टी शर्ट मतलब होता है टी शर्ट। इसे कहते हैं ब्लेजर। ब्लेजर मतलब होता है ब्लेजर। इसे कहते हैं टाई। टाई मतलब होता है टाई। इसे कहते हैं बेल्ट। बेल्ट मतलब होता है कमरबंद। इसे कहते हैं शूज। शूज मतलब होता है जूते। इसे कहते हैं सॉक्स। सॉक्स मतलब होता है मोजे। इसे कहते हैं वेस्ट। वेस्ट मतलब होता है बनियान। इसे कहते हैं अंडरवियर। अंडरवियर मतलब होता है चड्डी। इसे कहते हैं ट्राउजर्स या पजामा, और हिंदी में कहते हैं पजामा। इसे कहते हैं हाफ पैंट। हाफ पैंट मतलब होता है निकर। इसे कहते हैं जैकेट। जैकेट मतलब होता है जैकेट। इसे कहते हैं वेस्ट कोट। वेस्ट कोट मतलब होता है बंडी। इसे कहते हैं कार्गो पैंट। कार्गो पैंट मतलब होता है कार्गो पैंट। इसे कहते हैं ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट मतलब होता है लोवर। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है वर्दी। इसे कहते हैं हैंकरचीफ। हैंकरचीफ मतलब होता है रुमाल। इसे कहते हैं हैट। हैट मतलब होता है अंग्रेजी टोपी। इसे कहते हैं कैप। कैप मतलब होता है टोपी। इसे कहते हैं शेरवानी। शेरवानी मतलब होता है शेरवानी। इसे कहते हैं कार्डिगन। कार्डिगन मतलब होता है लंबा कोट। इसे कहते हैं ट्रेंच कोट। ट्रेंच कोट मतलब होता है ट्रेंच कोट, और ये पैर तक होता है। इसे कहते हैं ओवरऑल। ओवरऑल मतलब होता है ओवरऑल, और ये पूरा सेट होता है टी शर्ट से लेकर पूरा नीचे तक। इसे कहते हैं पोलो शर्ट। पोलो शर्ट मतलब होता है पोलो शर्ट। इसे कहते हैं हुडी टी शर्ट। हुडी टी शर्ट मतलब होता है टोपी वाला टी शर्ट। इसे कहते हैं सिंगलेट। सिंगलेट मतलब होता है एकल वस्त्र। इसे कहते हैं ग्लासेस। ग्लासेस मतलब होता है चश्मा। इसे कहते हैं बाथरोब। बाथरोब मतलब होता है नहाने का चोगा। इसे कहते हैं वॉलेट। वॉलेट मतलब होता है बटुआ।